नमस्कार, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है tv30india.com और मैं हूं आपके साथ कोमल अग्रवाल। इस वक्त की खास खबर हाथरस के हसायन क्षेत्र से आ रही है। आइए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर पर। विश्वविख्यात शांतिदूत धर्मरतन श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से बांके बिहारी सेवाधाम मंदिर इत्र फैक्ट्री बनवारीपुर भागवत कथा की अमृत वर्षा। आपको बता दें कि शुरुआत भागवत जी की आरती व विश्व शांति की कामना से की गई। आज ठाकुर जी ने वामन अवतार की कथा सविस्तार भक्तजनों को सुनाई। ठाकुर जी ने भागवत कथा के बारे में बताया कि चित्त को एकाग्रत करके सुनी गई कथा मन वांछित फल देती है। कथा में देवकीनंदन जी ने संस्कृति को अपनाने व बॉलीवुड का बहिष्कार करने के लिए युवाओं से कहा, रामायण व भागवत देखें, हिंदू संस्कृति का सम्मान करें, अपने बच्चों को सिखाएं कि हाथ में कलावा, माथे पर तिलक और सिर पर शिखा रखवाएं। देवकीनंदन जी ने कलयुग की अच्छाई बताते हुए बताया कि केवल कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें भगवान का नाम सुमिरन करने मात्र से ही नर्भव सागर से तर जाता है। आयोजक ठाकुर अवधेश कुमार सिंह ने नगर व क्षेत्रवासियों से अपील की कि कथा श्रवण कर पुण्य के भागी बने। कथा श्रवण करने के लिए कथा पंडाल में आए पूर्व विधायक यशपाल सिंह चौहान, सिकंदर राव, तेजवीर सिंह सिसोदिया, सुमन किशोर सिंह, ब्लॉक प्रमुख हसायन व भक्तगण श्रोतागण। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें tv30india ऐप। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।